आज हलफ उठाने वाली वफाकी काबीना के किस वजीर को कौन सी वजारत दी गई है, इस हवाले से तफसीलात सामने आ चुकी हैं। एक लिस्ट हमारे पास मौजूद है जिसके मुताबिक सबसे पहले वजीर आजम की बात कर लेते हैं। उन पर 5 मुकदमात हैं जिन पर मौसूफ जमानत पर हैं, और वो इसलिए कि हमारी अदालतें 24 घंटे काम करती हैं लेकिन जमानतें देने के लिए। इसके बाद बारी आती है ख्वाजा आसिफ की, जो 4 मुकदमात में जमानत पर हैं और जिन्हें बकौल उनके खुद अमरीका की ड्रिप भी लगी हुई है। एहसान इकबाल, राना सनाउल्लाह, खुर्रम दस्तगीर और अयाज सादिक का जिक्र करें तो हमारे काबिले एहतराम मिनिस्टर साहिबान भी जमानत पर बाहर हैं। अयाज सादिक साहब कमर जावेद बाजवा के हवाले से एक बयान के बायस शोहरत रखते हैं, जिसमें उन्होंने फरमाया था कि अभिनंदन के सामने आर्मी चीफ की टांगे कांप उठी थी। अरे इस लिस्ट में साद रफीक भी तो हैं, जिन पर रेलवे में करप्शन पर केस है और वो जमानत पर हैं, लेकिन जमानत जाए भाड़ में। अब वो अपने केस को खुद ही देखेंगे क्योंकि उन्हें इसी वजारत यानी रेलवे का कलमदान सौंप दिया गया है। और मोहतरम जावेद लतीफ को भी तो वजारत मिली है, जिन पर रियासत और फौज के खिलाफ मुगल्लेजात के लिए केस था। इस केस में जनाब जमानत पर हैं। खुर्शीद शाह नैब से जमानत पर हैं। शाजिया मरी पर बीए की जाली डिग्री का इल्जाम है, जबकि कादर पटेल पर जमीनों पर कब्जे का इल्जाम है। आबिद भियो कत्ल के 3 मुकदमात पर जमानत में हैं। ये है हमारे वजीराने कराम। कोई ममनून फरंगी, कोई डॉलर का गुलाम, धड़कने महकूम इनकी, लपटे आजादी का नाम। इनको क्या मालूम किस हालत में रहते हैं अवाम, ये वजीराने कराम। इनको फुर्सत है बहुत ऊंचे अमीरों के लिए, इनके टेलीफोन कायम हैं सफीरों के लिए, वक्त इनके पास कब है हम फकीरों के लिए, छू नहीं सकते इन्हें हम, इनका ऊंचा है मकाम, ये वजीराने कराम।